फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने चैनल इजी इंटर पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये सिंगल कलर का स्कैलप्ड बॉर्डर लेकर आई हूँ। ये डबल जाली का बॉर्डर है, ये देखें। ये जो हमारा ट्रायंगल आएगा, इसके आसपास ये डबल जाली आएगी। ये इस तरह से, यहाँ पर देखें, ये इस तरह से डबल जाली आएगी। इस बॉर्डर को बनाने के लिए हमें 16 के मल्टीपल फंदे प्लस वन फंदा चाहिए। जितने भी फंदों में आपने बनाना हो तो इसी हिसाब के फंदे लें, या आपके पास एक्स्ट्रा फंदे हैं तो उनको साइड में आप 1, 2, 3, 4 तक सीधा भी ले सकते हैं। अब हम इस बॉर्डर की शुरुआत करते हैं कि बॉर्डर हमने कैसे बनाना है। ये मैंने सिंगल कलर में बनाया है, ये अब मैं आपको मल्टी कलर में डाल करके दिखाऊंगी, तो आपको दोनों की ही लुक पता चल जाएगी। अब ये हम अपने बॉर्डर की शुरुआत करते हैं। ये एक एक फंदा हमने दोनों तरफ एक्स्ट्रा लिया है, इसको हमने उतारा, एक फंदा हमने बनाया ऊन आगे की, और अब 6 फंदे हमने सीधे बना लेने हैं। 2, 3, 4, 5 और ये 6। 6 फंदे सीधे बना करके ये 3 फंदों का हमने एक करना है। इसके लिए हम ये बीच वाला फंदा उतारेंगे, बाकी 2 को हम एक करेंगे और ये इसके ऊपर से हम उतार देंगे। जैसे कि हम गले के वी गला बनाते हैं तो बीच की फली बनाते हैं, सेम उसी तरह से फिर 6 फंदे, 2, 3, 4, 5, 6। अब ऊन आगे, एक फंदा सीधा। ये हमारा एक बार का पैटर्न कंप्लीट है। इसी को हमने एक बार फिर से रिपीट करना है। ऊन आगे, 6 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। फिर से ये 3 फंदों का एक करेंगे। ये बीच का हमने उतारा, ये 2 को एक किया और ये इसके ऊपर से हमने उतार दिया। ये 3 का 1 कर लिया, फिर 6 फंदे सीधे, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ऊन आगे, लास्ट का फंदा सीधा और ये एक्स्ट्रा फंदा भी हमारा सीधा। ये फर्स्ट रो हमारी पूरी बन गई। अब सेकंड रो हमारी उल्टी साइड की रो है, इसको हम पूरा उल्टा बना लेंगे सारे फंदे। ये सेकंड रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम थर्ड रो की तरफ हैं, ये सीधी तरफ की रो है थर्ड हमारी। ये जो हमने पैटर्न बनाया है सिंगल कलर का, ये हमने 51 फंदों के साथ बनाया है, और ये वाला हमने 35 फंदों के साथ हम बना रहे हैं। ये देखें आप, एक एक्स्ट्रा फंदा उतारा हमने, ये एक सीधा जाली से बढ़ा भी सीधा। अब ऊन आगे की, अब हमारे ये 5 फंदे सीधे बनेंगे, 2, 3, 4 और ये 5। अब ये फिर 3 का 1, बीच का फंदा हमने उतारा, ये 2 को हमने एक किया और ये इसके ऊपर से उतार दिया। उतारा हुआ ये 3 का 1 हो गया। फिर 5 सीधे, 1, 2, 3, 4, 5। ऊन आगे, अब ये 3 फंदे सीधे। ये जो हमने एक बीच के फंदे के आसपास ये जाली डाली थी, अब ये बीच का फंदा भी सीधा और इसके आसपास ये जाली वाले फंदे भी सीधे, ये 3 सीधे। फिर ऊन आगे, 5 सीधे, 3 का 1 बीच का हमने उतारा, आसपास वाले 2 का 1 किया और इसको इसके ऊपर से हमने उतार दिया। ये 3 का 1 हो गया। 5 सीधे, 2, 3, 4, 5। अब ऊन आगे, ये 2 फंदे सीधे, ये जाली का बड़ा हुआ, उससे अगला सीधा और ये लास्ट का एक्स्ट्रा फंदा ये भी सीधा। अब हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब फोर्थ रो है, फोर्थ रो पूरी हमारी उल्टी बनेगी। इसमें उल्टी साइड की लाइनें सारी उल्टी ही बनेंगी। अब ये देखें, हमारी फिफ्थ रो आती है।
फिफ्थ रो हमारी सीधी साइड की रो है। अभी तक हम ये सिंगल जाली डाल रहे थे, अब हम डबल जाली डालना शुरू करेंगे। एक उतारा, अगला बनाया, ऊन को हमने आगे किया। अब ये वाला सीधा फंदा और इससे आगे वाली जाली, दोनों को हम एक करेंगे। ये ऐसे उतारा, इनकी डायरेक्शन चेंज कर कर, और दोनों को एक कर लिया। ये देखें, फिर हमने ऊन आगे की। अब ये हमारे चार फंदे सीधे बनेंगे, दो तीन और ये चार। अब ये तीन का एक, यही लाइन जो चली आ रही है, ये हमने उतारा बीच का फंदा, साइड के दोनों को एक किया और इसको इसके ऊपर से उतार दिया। ये तीन का एक, फिर चार, एक दो तीन चार। अब ऊन आगे, अब यहाँ पर भी हमने डबल जाली करनी है। ये देखें, ये जाली और इसके आगे वाला सीधा, ये दोनों को हमने एक करना है। इनकी डायरेक्शन रहेगी ये लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ। ये देखें, अब ऊन आगे, एक सीधा, ऊन आगे, अब ये डायरेक्शन रहेगी लेफ्ट की तरफ, तो इसकी हमने चेंज करनी है डायरेक्शन। ये दोनों उतारे, इस तरह से पलट कर हम ले गए सलाई में, और ये दो का एक। अब ये हमारी दूसरी वाली जालियाँ शुरू हो गई हैं, एक इधर और एक इधर चलेगी। ऊन आगे, चार सीधे, एक दो तीन चार। ये बीच में तीन का एक, फिर चार सीधे, फिर यहां पर देखें डबल जाली करेंगे हम। आगे ऊन, ये दो का एक लेफ्ट की तरफ, ये जाली और उसके आगे वाला सीधा, दोनों का हमने एक कर दिया। फिर आगे ऊन और ये लास्ट का फंदा सीधा और एक्स्ट्रा फंदा भी सीधा। अब ये फिफ्थ रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब सिक्स्थ रो उल्टी साइड की है, तो ये हमारी पूरी सलाई उल्टी बनेगी। अब ये हमारी सेवन्थ रो शुरू होगी। अब तीन फंदे सीधे, एक ये उतारा हमने, ये सीधा और ये जाली से बड़ा हुआ भी सीधा। ऊन आगे, फिर ये दो का एक, ये सीधा और इसके आगे वाली जाली। ये देखें, इनको घुमा करके इस तरह से, ये लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ बन रही है, तो इसकी हमने डायरेक्शन चेंज की। फिर ऊन आगे, अब ये तीन फंदे सीधे बनेंगे, एक दो और ये तीन। अब ये बीच का तीन का एक, ये बीच का फंदा उतारा, आसपास के दोनों को हमने एक किया और ये इसके ऊपर से हमने उतार दिया। फिर एक दो और ये तीन। फिर ऊन आगे, अब ये जाली और इसके आगे वाला, ये दोनों बनेंगे। इनकी डायरेक्शन है लेफ्ट से राइट की तरफ, ये देखें इस तरह से। फिर ये ऊन आगे और बीच के तीन फंदे सीधे, ऊन आगे, अब ये दो फंदे एक होंगे, ये सीधा और इसके आगे वाली जाली ये राइट से लेफ्ट की तरफ। ये हमने इस तरह से इनको चेंज करके दोबारा सलाई में चढ़ाया और ये दो का एक कर लिया। आगे ऊन, फिर एक दो और ये तीन। ये तीन का एक करेंगे अब। ये बीच का फंदा हमने उतारा, ये दो को एक किया और ये इसके ऊपर से हमने उतार दिया। ये तीन का एक हो गया, फिर तीन फंदे, एक दो और ये तीन। ऊन आगे, अब ये दो का एक लेफ्ट से राइट की तरफ, ऊन आगे, एक सीधा, दो सीधे और ये एक्स्ट्रा फंदा भी सीधा। अब हमारी उल्टी तरफ की सलाई है, उल्टी तरफ की सलाई पूरी उल्टी बनेगी। ये हमारी नाइन्थ रो है। अब ये चार सीधे होंगे, तीन ये सीधे और ये जाली वाला। एक ये उतारा, एक दो और ये तीन। ऊन आगे, ये सीधा और इसके आगे वाला,
ये देखें, दोनों का एक कर दिया, फिर ऊन आ गए, अब ये दो सीधे बनेंगे, एक दो, अब ये तीन का एक, फिर दो सीधे, फिर आगे ऊन, ये देखें अब ये जाली और ये वाला, इसके आगे वाला सीधा, ये दोनों एक होंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ, फिर ऊन आगे, अब ये बीच में पांच फंदे सीधे हो जाएंगे, एक दो तीन चार पांच, फिर ऊन आगे, अब ये सीधा और इसके आगे वाला दो का एक, ये डायरेक्शन चेंज कर कर, ये राइट से लेफ्ट की तरफ, आगे ऊन, एक सीधा दो सीधे, और ये तीन का एक, फिर दो सीधे एक, और ये दो, फिर आगे ऊन, ये दो का एक, ये लेफ्ट से राइट की तरफ, देखें, फिर आगे ऊन, और ये लास्ट के सीधे, और उल्टी सिलाई अब हम पूरी उल्टी बना लेंगे। अब ये देखें, अब हमारी शुरू होगी 11th रो। अब ये एक फंदा हमने उतारा, ये एक दो तीन चार सीधे, आगे ऊन, ये सीधा और इसके आगे वाला ये जाली का फंदा, दोनों एक कर देंगे हम राइट से लेफ्ट की तरफ, आगे ऊन, अब ये एक सीधा और ये तीन का एक, ये उतारा, ये दोनों को एक किया और ये इस तरह से इसके ऊपर से उतार दिया, एक सीधा ऊन आगे, अब ये जाली और इसके आगे वाला ये दोनों होंगे एक, लेफ्ट से राइट की तरफ, फिर ये जाली, ये ऊन आगे कर कर सात फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, फिर ऊन आगे, ये और इससे आगे ये जाली वाला फंदा दो का एक, आगे ऊन, एक सीधा, ये तीन का एक बीच वाला हमने उतारा और ये दो को एक किया, ये देखें इस तरह से भी, अगर आपको उसमें असुविधा लगे तो इस तरह से भी इसको बीच वाले को आगे रखकर, और ये इस तरह से आप तीन का एक बना सकते हैं, तब भी इसी तरह से आएगा, ये एक सीधा ऊन आगे, ये दो का एक लेफ्ट से राइट, ऊन आगे, ये लास्ट के फंदे सीधे, और उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बन जाएगी। ये देखें, अब आई हमारी 13th रो। 13th रो देखें, पहला फंदा हमने उतारा, एक दो तीन चार पाँच, ये सीधे, ऊन आगे, ये दो का एक, ऊन आगे, ये अब यहाँ पर बीच के फंदे ये सीधे ख़त्म, ये तीन का एक, आगे ऊन, अब ये जाली वाला फंदा और इसके आगे वाला ये दो का एक, ये लेफ्ट से राइट, फिर ऊन आगे, ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ सीधे, ऊन आगे, ये दो का एक, फिर ऊन आगे, ये तीन का एक, फिर ऊन आगे, ये दो का एक लेफ्ट से राइट की तरफ, ऊन आगे, ये लास्ट के फंदे सीधे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी।
अब ये देखें 15th रो आती है, पहला फंदा हमने उतारा, एक दो तीन चार पाँच छः सीधे आगे ऊन। अब ये सीधा और इसके आगे वाला, ये दोनों एक हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो हमने पहले से जाली ये वाली शुरू की थी, ये अब खत्म हो जाएगी। ये फंदा सीधा, इधर से ये दो का एक, क्योंकि इधर तक हमारे ये तीन का एक होने वाले फंदे भी खत्म हो गए, तो अब की बार ये वाली जाली नहीं डलेगी। ऊन आगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 फंदे ये सीधे। ऊन आगे, ये दो का एक राइट से लेफ्ट की तरफ, ये तीन का एक जो हम करते आ रहे थे ये सीधा, ये फिर इधर दो का एक, ऊन आगे, और ये लास्ट के सारे फंदे सीधे, और उल्टी सलाई हमारी पूरी उल्टी बन जाएगी। ये देखें 16th रो हमने अपनी बना ली, और अब ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया बॉर्डर का। ये पैटर्न हमारा कंप्लीट है बॉर्डर का। यहाँ पर ये देखें इस तरह से, जब हम ये मल्टी कलर की ऊन का यूज़ करते हैं तो इसको हम प्लेन बनाते हैं। अगर उसमें जो हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें हम इस तरह का बॉर्डर बनाएंगे और ऊपर प्लेन बनाएंगे तो इसकी लुक थोड़ी सी बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स ये देखें, सिंगल कलर में इसका लुक इस तरह से आएगा और मल्टी कलर में इसका लुक इस तरह से आएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा पैटर्न पसंद आया हो, ये बॉर्डर आपको अच्छा लगा हो, अपने प्रोजेक्ट्स में इसे आप यूज़ करना चाहें, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।